हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर देखिए, फ्लूड मैकेनिक्स में हम लोगों ने पिछले सेशन में दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपका डेंसिटी था एंड सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्पेसिफिक वेट देखा था। ओके, अब आज के इस सेशन में हम लोग थर्ड फ्लूड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फ्लूड मैकेनिक्स का। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सभी चीज़ें सीक्वेंस से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड हर एक चैप्टर के एंड में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। किसी भी फ्लूड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम क्या समझते हैं, इस चीज़ को आप देखिए। तो देखिए माय डियर, किसी भी फ्लूड का यदि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूड इज इक्वल टू, ये रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूड, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। तो यहां पर देखिए, तो इसका डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं कि किसी भी फ्लूड का स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होगा? डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूड एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड का रेशियो होगा। तो इस चीज को समझिए ध्यान से। आपको किसी भी फ्लूड का यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, तो उसी फ्लूड का डेंसिटी लेंगे आप, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड फ्लूड का डेंसिटी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि स्टैंडर्ड फ्लूड के जगह पर हम लोग कौन सा फ्लूड का डेंसिटी लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यदि आप लिक्विड की बात करते हैं, फॉर लिक्विड, तो लिक्विड के केस में माय डियर फ्रेंड, स्टैंडर्ड फ्लूड वाटर को कहा गया है। तो आप स्टैंडर्ड फ्लूड के जगह पर वाटर को पुट करेंगे। ओके, एंड वाटर का डेंसिटी आप जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यू होता है, हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था। ओके, तो यदि क्वेश्चन में आपको किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो आप यहां पर स्टैंडर्ड फ्लूड के जगह पर वाटर का डेंसिटी यहां पर पुट करेंगे आप। ओके, चलिए। बट गैस के केस में, फॉर गैस, तो गैस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूड एयर को कहा गया है। स्टैंडर्ड फ्लूड ये आपका एयर होता है एंड एयर का डेंसिटी आपको पता होगा 1.21 kg पर मीटर क्यू। एयर का डेंसिटी काफी कम होता है, 1.21 kg पर मीटर क्यू। और आप ये भी जानते हैं कि आखिर एयर का डेंसिटी इतना कम क्यों है। तो माय डियर, ये गैस है, तो डेंसिटी होता क्या है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। तो चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होगा, जो डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो किसी गिवन वॉल्यूम में कम मास एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए गैस का डेंसिटी काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। बट लिक्विड के केस में क्या होगा, किसी गिवन वॉल्यूम में ज़्यादा मास प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो किसी गिवन वॉल्यूम में ज़्यादा मास प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रहा है आपको, इसीलिए लिक्विड का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, वाटर का डेंसिटी 1000 है बट एयर का डेंसिटी 1.21 है। ओके, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल एक लेके देख लेते हैं, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको
ऑयल का डेंसिटी दिया हुआ है, ऑयल का डेंसिटी मान लीजिए 850 केजी पर मीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में गिवन है, देन फाइंड, तो आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल पूछा जा रहा है, ओके तो ये आपका क्वेश्चन है, इफ डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 850 केजी पर मीटर क्यूब देन व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। तो अभी अभी आपने देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूड, किसी भी फ्लूड का यदि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसी फ्लूड का डेंसिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड फ्लूड का डेंसिटी। तो हमें ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑयल क्या है आपका, लिक्विड है, तो लिक्विड के केस में हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूड किसे लेंगे, वाटर को लेंगे, ओके तो यहां से आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए यहां पर देख लेते हैं माय डियर, ध्यान देंगे आप, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसा ही लिखेंगे आप यहां से, ओके जिस फ्लूड का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उसी फ्लूड का डेंसिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड फ्लूड डेंसिटी। एंड क्वेश्चन में आपको ऑयल का डेंसिटी दिया हुआ है 850 डिवाइड बाय वाटर का डेंसिटी आप जानते हैं 1000 और ये आपका आ जाएगा 0.85। तो ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 0.85 आएगा, और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है क्योंकि देखिए ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो दोनों का यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा, दैट मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी यूनिट नहीं होगा, समझ में आ गया। चलिए सेम इसी तरीके से यदि किसी गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फ्लूड के जगह पर एयर का डेंसिटी पुट कर देंगे, बात समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, अब यहां पर देखिए आप क्या देख रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, ओके ये आपने देखा। अब आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके तो यहां भी हम लोग जी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी हम लोग जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आपके इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अब यहां पर देखिए, अब हमें एक नया क्वांटिटी मिलेगा, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूड विल बी इक्वल टू, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में रो इंटू जी, ठीक है उसी फ्लूड का डेंसिटी इंटू जी। तो एक चीज याद कीजिए, मैंने पिछले सेशन में ही आपको बताया था स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी बराबर क्या होता है, रो इंटू जी। तो यहां पर आप देख रहे हैं रो इंटू जी किस फ्लूड के लिए, जिस फ्लूड का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे माय डियर, दिस क्वांटिटी इज स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूड। ये क्या मिल गया हमें, तो दिस क्वांटिटी इज स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूड, ओके एंड डिनोमिनेटर में जो आप टर्म देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड इनटू जी, ये आपका क्या है, तो ये है आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, ओके तो यहां से देखिए आपका, आपको एक नया फॉर्मूला मिल रहा है, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूड विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। तो देखिए एक नया फॉर्मूला आपको यहां पर मिल गया,
और ये फॉर्मूला किस फॉर्म में है, स्पेसिफिक वेट के फॉर्म में है। बात समझ में आ रहा है। किसी भी फ्लूड का यदि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना होगा तो वो किसका रेशियो होगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूड एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड का रेशियो होगा, या आप डेंसिटी का भी रेशियो बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपका ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, आया है। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो आप यहां पर एक फाइनल फॉर्मूला लिख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूड विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, या आप इसे क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। ओके, तो क्वेश्चन में जो भी आपको पूछा जाएगा, जो चीज आपको गिवेन रहेगा, या यदि डेंसिटी गिवेन है तो आप डेंसिटी का रेशियो निकाल के स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर लीजिए, या यदि क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक वेट गिवन है तो आप इसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इतना चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहां पर वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करके दिखाता हूं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं, बस मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूला का आपको यूज करना है। आइए देखते हैं कि किस तरह कैलकुलेट किया जाए। सो यदि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर निकालना चाहें, तो वाटर क्या है माय डियर, तो वाटर है आपका लिक्विड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, तो वाटर है लिक्विड है, ठीक है, तो ये वाटर का ही डेंसिटी यहां पर आ जाएगा, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, कितना होता है, 1। अब यहां पर देखिए, दो केसेस अराइज होंगे। फर्स्ट केस, दो केस पॉसिबल है। फर्स्ट केस, किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि 1 से कम हो, या वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम हो, इसका क्या मतलब है, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में, यदि किसी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा हो, या वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा हो, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, ध्यान दीजिए, ठीक है, आप ध्यान दीजिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए माय डियर, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड पॉइंट, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड इज लेस देन 1, देन इट मीन्स दैट liquid is lighter than water। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माई डियर, lighter than water। मैं इस पॉइंट को आपको क्लियर करके समझाऊंगा अभी, बस आप पॉइंट देखिए। यदि किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम हो जाए,
मतलब वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम है, इसका मतलब यह है कि वो लिक्विड वाटर से लाइटर होगा। ओके आइए, एंड थर्ड पॉइंट इज इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड इज मोर देन वन, इज मोर देन वन, देन इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट इट इज हैवियर देन वाटर, इट इज हैवियर देन वाटर। मैं आपको ये चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया यहां पर कि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी वन होता है। अब सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट हम लोग यहां पर देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड इज लेस देन वन, अगर किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से कम हो तो इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर देखिए, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड इज लेस देन वन, सेकेंड पॉइंट आपका यही कह रहा है कि लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि वन से कम हो जाए तो इसका क्या मतलब है, देख लीजिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को आप कैसे राइट करेंगे, तो ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड है तो यहां पर स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या आएगा, वाटर आएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को आप कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, और ये वैल्यू क्या है, लेस देन वन है, लेस देन वन। सो यहां से आपको क्या मिलेगा, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या देख रहे हैं माय डियर, आप देख रहे हैं कि उस लिक्विड का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम हो जाएगा। अब वाटर के डेंसिटी से कम हो जाएगा तो इसका साफ मतलब है कि वो लिक्विड वाटर से लाइटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ऑयल का डेंसिटी मैंने लिया था 850, वाटर का डेंसिटी 1000, ठीक है, 850 और ये 1000 था, तो ऑयल का डेंसिटी वाटर से कम है, तभी तो माय डियर ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि ऑयल क्या है, वाटर से लाइटर है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। ओके, तो लाइटर का मतलब क्या है कि डेंसिटी कम होगा एज कंपेयर टू वाटर, तभी तो ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ओके, और वही चीज आप यहां पर देख पा रहे हैं कि उस लिक्विड का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम हो जाएगा, इसका साफ मतलब है कि वो लाइटर देन वाटर है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, तो ये क्या हो गया, लाइटर। ओके, अब सेम चीज, सेकेंड पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, अब थर्ड पॉइंट के बारे में देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड इज मोर देन वन, आइए देखते हैं। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड इज मोर देन वन, तो फिर उसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे माय डियर, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर, ग्रेटर देन वन, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब यदि किसी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज्यादा हो जाए, इसका साफ मतलब है कि उस लिक्विड का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, तो जब वाटर के डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा, वाटर से हेवियर होगा। ओके, वाटर से क्या होगा, हेवियर, और यही मैंने आपको थर्ड पॉइंट में लिखकर दिखाया है, ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका वही है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से एक क्वेश्चन जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था माय डियर स्पेसिफिक ग्रेविटी
और आपने इसको देख लिया कि किस तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इसके आगे हम लोग मूव करेंगे रिलेटिव डेंसिटी के तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, एंड आफ्टर दैट हम लोग कंप्रेसिबिलिटी पे मूव करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, जो भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होगा, आप सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, और जो भी छोटे छोटे फॉर्मूलाज यहाँ पर मिलेगा उस सभी फॉर्मूलाज को आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। ओके, आइए। तो अब आपका नंबर फोर प्रॉपर्टीज रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, आर डी, रिलेटिव डेंसिटी। अब यहां पर देखिए, जैसे ही आप इस वर्ड को देखेंगे तो आप थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में कि ये रिलेटिव डेंसिटी है, इसका मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर दो फ्लूड होगा, और एक फ्लूड का डेंसिटी जब हम लोग किसी दूसरे फ्लूड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसे रिलेटिव डेंसिटी कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा? जैसे आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, सेम चीज है रिलेटिव डेंसिटी। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फ्लूड, उसे ही आप रिलेटिव डेंसिटी नाम देंगे। ओके, तो आइए देखिए इसे आप कैसे लिखेंगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 1:2, इस 1:2 का मतलब क्या है माय डियर, इसे आप किस तरह रीड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो लिख दे रहा हूं। दिस कैन बी रीड एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फ्लूड। ओके, तो इस तरह आप इसको रीड करेंगे, और ये किसके बराबर होगा माय डियर, सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूड विथ रिस्पेक्ट टू विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सेकेंड फ्लूड। तो इसी तरह आप रिलेटिव टर्म कैलकुलेट करते हैं, आपको याद आ गया होगा, आप रिलेटिव टर्म कोई भी कैलकुलेट करते हैं तो आप इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को सेम उसी प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फ्लूड विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सेकेंड फ्लूड। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, सेकेंड फ्लूड आपको नहीं दिया रहेगा, सेकेंड फ्लूड दिया हुआ नहीं रहता है क्वेश्चन में, तब आप क्या करेंगे वहां पर, तब यदि आप वहां पर रिलेटिव डेंसिटी टर्म देख रहे हैं तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप उसको लिखेंगे। तो उसका तरीका यह है माय डियर कि यदि सेकेंड फ्लूड या कोई भी इसमें से फ्लूड नहीं दिया हुआ हो तो आप उसके जगह पर स्टैंडर्ड फ्लूड लेंगे। आप उसके जगह पर कौन सा फ्लूड लेंगे, स्टैंडर्ड फ्लूड। बात समझ में आ रहा है? अगर लिक्विड का केस होगा तो वाटर का डेंसिटी पुट करेंगे, और अगर गैस का कंडीशन होगा तो उस केस में हम लोग एयर का डेंसिटी पुट करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, तो मैं आपको ये पॉइंट भी लिख दे रहा हूं, इफ इन ए क्वेश्चन इफ इन ए क्वेश्चन सेकेंड फ्लूड इज नॉट गिवन देन टू कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी we assume standard fluid in place of second fluid
ओके तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि यदि क्वेश्चन में माय डियर आपको सेकंड फ्लूड नहीं दिया हुआ है तो आप उसके जगह पर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फ्लूड को आप लेंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में कोई भी फ्लूड दिया रहेगा, चाहे लिक्विड हो गैस हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूड वहां पर पुट कर देंगे। ओके तो ये था माय डियर रिलेटिव डेंसिटी और ये हमारा नंबर 4 प्रॉपर्टीज था। अब इसके आगे देखिए हम लोग 5th नंबर प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। एंड नंबर 5th प्रॉपर्टी है आपका कंप्रेसिबिलिटी। ओके आइए, नंबर 5th प्रॉपर्टी इज कॉम्प्रेसिबिलिटी और इसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा एक फैक्टर है जो कि कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करता है। ओके आइए तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो आपको इस वर्ड से ही लग रहा है, देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट वर्ड इज कंप्रेस एंड सेकेंड इज एबिलिटी, तो इसका हिंदी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एबिलिटी टू कंप्रेस। कंप्रेस होने का क्या एबिलिटी है, किसी भी सिस्टम के पास कंप्रेस होने का एबिलिटी क्या है, उसे ही हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे और उसका एक वैल्यू आएगा, ठीक है, उस फैक्टर को हम लोग कहते हैं बीटा। ओके तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है माय डियर, जैसा कि मैंने आपको बताया एबिलिटी टू कंप्रेस, यानी कोई भी सिस्टम आपके पास है तो उस सिस्टम के पास कंप्रेस होने का क्या एबिलिटी है, कितना कंप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो वैल्यू जो है हम लोग बीटा फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि आपने बीटा कैलकुलेट किया है, ठीक है, आपके पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम के लिए बीटा का वैल्यू ज़्यादा आ गया और एक सिस्टम के लिए बीटा का वैल्यू कम आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जिस सिस्टम के लिए बीटा का वैल्यू ज़्यादा है वो सिस्टम ज़्यादा कंप्रेस होगा एंड जिस सिस्टम के लिए बीटा का वैल्यू कम आ रहा है वो सिस्टम आपका कम कंप्रेस होगा। ओके एंड एक ऐसा भी सिस्टम आएगा जो कि कंप्रेस ही नहीं होगा तो उसके लिए बीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो ये सभी चीज़ अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आइए तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जो कि कंप्रेस हो। ओके आइए देखिए, मान लीजिए माय डियर आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, दिस इज योर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एंड दिस इज सिलेंडर और यहाँ पर आपका एक पिस्टन है, ये आपका पिस्टन एंड यहां पर एक पिस्टन रॉड है, ये आपका पिस्टन रॉड। ओके एंड इस सिस्टम में कोई फ्लूड रखा हुआ है, कोई भी फ्लूड है यहां पर। ओके ये फ्लूड है आपका एंड उस टाइम इस सिस्टम का प्रेशर पी है, सिस्टम का प्रेशर पी है, जब पिस्टन इस पोजीशन पर है माय डियर फ्रेंड तो उस टाइम सिस्टम के अंदर का प्रेशर कितना है, पी है एंड वॉल्यूम, ये वाला जो वॉल्यूम है ये भी है, ये भी है। ओके तो ये हम देख रहे हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर आप क्या देख रहे हैं कि पिस्टन इस पोजीशन पर है एंड जब पिस्टन इस पोजीशन पर होगा तो इस सिस्टम के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसका प्रेशर कितना है, पी एंड वॉल्यूम कितना है, भी। और इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, इनिशियल प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर है सिस्टम का, सो दिस इज पी इनिशियल और ये कितना है, पी है और ये वॉल्यूम कितना है, ये है भी इनिशियल और ये आपका भी है। अब देखिए चूंकि हम लोग
हम लोगों को यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी चेक करना है। तो कंप्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको कंप्रेस करना होगा, तभी तो हम देख पाएंगे कि क्या इसके पास एबिलिटी है कंप्रेस होने का, क्या ये कंप्रेस हो पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, इसे कंप्रेस करेंगे। ओके आइए, तो आप इसे कंप्रेस कर दीजिए। तो जब हम लोग यहां पर एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे माय डियर, तो क्या होगा, पिस्टन यहां पर अपना पोजीशन चेंज करेगा एंड कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हैं कि पिस्टन अब इस नए पोजीशन को गेन कर लिया है, पिस्टन अब यहां पर आ चुका है। ओके, ये पिस्टन का नया पोजीशन है माय डियर, ठीक है। एंड पिस्टन देखिए इतना वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है, इतना वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है पिस्टन, ठीक है, पिस्टन इस तरफ इतना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है। एंड अब जब पिस्टन यहां पर होगा, सोचिए अब जब पिस्टन ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, तो इसके अंदर जो भी सब्सटेंस था वो पहले इस वॉल्यूम में था, अब वही सब्सटेंस, अब उतना ही सब्सटेंस इस वॉल्यूम में होगा। यानी अब आपका सब्सटेंस देखिए ये वाला है, दिस इज योर सब्सटेंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका प्रेशर क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा, क्योंकि पहले उतना ही सब्सटेंस ज्यादा वॉल्यूम में था, बट अब क्या हो रहा है, सेम उतना ही अमाउंट का सब्सटेंस कम वॉल्यूम में है, इसका मतलब सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया होगा। तो अब यहां पर देखिए, जब आपका पिस्टन इस पोजिशन पर है एट टी इज इक्वल टू टी, ओके, तो उस टाइम पर आप देख रहे हैं कि पिस्टन इस पोजीशन पर आ गया है, तो उस टाइम सिस्टम का प्रेशर जो कि हम लिखेंगे फाइनल प्रेशर, वो मान लीजिए पी प्लस डी पी है, प्रेशर बढ़ चुका है यहाँ पर। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि डी पी प्रेशर बढ़ गया, पहले प्रेशर सिस्टम का पी था, अब प्रेशर आ गया पी प्लस डी पी। ओके चलिए, तो प्रेशर बढ़ा है बट वॉल्यूम तो चेंज किया है, पहले वॉल्यूम भी था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, देखिए अब आपका वॉल्यूम ये वाला सिर्फ है, सिर्फ इतने ही वॉल्यूम में आपका सब्सटेंस प्रेजेंट है, और ये वॉल्यूम कितना होगा, इसे हम लोग बोलेंगे वी फाइनल, और इसे आप क्या लिखेंगे, वी माइनस डी वी, वी माइनस डी वी, पहले इनिशियल वॉल्यूम था वी, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, वी माइनस डी वी। यहां तक क्लियर है आपको? अब देखिए, तो यहाँ पर आप कंप्रेसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, सिस्टम का पहले इनिशियल प्रेशर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया एंड इनिशियल वॉल्यूम भी हमने देख लिया। अब चूंकि हमें कंप्रेसिबिलिटी चेक करना है, तो हमने इस पर एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर दिया, तो आप क्या देख रहे हैं कि सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया और बढ़ के पी प्लस डी पी हो गया, बट सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। मतलब यहाँ पर माई डियर फ्रेंड, हमें एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल रहा है, वॉल्यूम चेंज किया ना, तो जब वॉल्यूम चेंज करेगा तो हमें एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा एंड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर के लिए, अभी आप देख रहे हैं कि प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप बोलेंगे सर डीपी प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो यदि मैं आपको बोल दूं कि ठीक है बाबू, ये प्रेशर इंक्रीज को आप 1 मान लीजिए, दैट मीन्स यूनिट प्रेशर इंक्रीज के लिए सिस्टम में जितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा उसे ही हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। फॉर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर द वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी। बात समझ में आ रहा, दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी किसका रेशियो होगा, तो आइए देखिए, That means compressibility is equal to volumetric strain divided by increase in pressure. Volumetric strain divided by increase in pressure.
ये इसका बेसिक डेफिनेशन है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और इंक्रीज इन प्रेशर के रेशियो को ही हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर समझना भी है कि अगर इंक्रीज इन प्रेशर को हम यूनिट कर दें, वन कर दें, तो वहाँ पर सिस्टम में जितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा वही कंप्रेसिबिलिटी को शो करेगा। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो मिलता है, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, और जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं करेगा तो वहाँ कंप्रेसिबिलिटी तो जीरो हो जाएगा ना, दैट मीन्स वो सिस्टम कंप्रेस ही नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा? तो कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट कौन कर रहा है, कंप्रेसिबिलिटी हमें मिल कैसे रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से मिल रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो रहा है तभी तो आप कहते हैं कि कंप्रेस हुआ है, वॉल्यूम चेंज होता है तभी तो आप बोलते हैं। तो यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर के लिए जितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें सिस्टम में मिलेगा उसे ही कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीज इन प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। हियर इंक्रीज इन प्रेशर, हियर इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा माय डियर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना है, P प्लस डी पी, एंड इनिशियल प्रेशर कितना है, P। सो इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू डी पी, हमें इंक्रीज इन प्रेशर कितना मिल गया, डी पी। ओके, अब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम कितना है, वी माइनस डी वी, एंड इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वी। तो यहां से आपको मिल जाता है माइनस डी वी। माइनस साइन आपको डिनोट ये कर रहा है कि यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, माइनस साइन का मतलब यहां पर यही है कि वॉल्यूम डिक्रीजेस। ओके, जब चेंज इन वॉल्यूम हमें पता चल गया, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा माय डियर, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप जानते हैं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। तो यहां से देखिए हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, माइनस डी वी, एंड ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम, वो कितना है, वी। तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए कितना मिल गया, माइनस डी वी डिवाइड बाय वी, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। एंड इंक्रीज इन प्रेशर कितना है, डी पी है। ओके, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट कंप्रेसिबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहां पर एक फॉर्मूला मिलेगा और उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे, आइए पुट करते हैं। ओके, ध्यान देंगे आप लोग, तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी वी डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय डी पी। ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये किसका रेशियो है, तो ये रेशियो है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और इंक्रीज इन प्रेशर का। आइए, सो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था तो उसका वैल्यू आपने क्या निकाला, माइनस डी वी बाय वी, और इंक्रीज इन प्रेशर क्या है माय डियर, डी पी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी वी बाय वी डिवाइड बाय डी पी, आप इसे याद रखेंगे। अब यहां पर देखिए इस फॉर्मूला का यूज आप कब करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दो तरीके से आता है। तो आप इस फॉर्मूला को देखकर क्या बोलेंगे कि सर जिस क्वेश्चन में प्रेशर इंक्रीमेंट दिया हो, प्रेशर में कितना इंक्रीज किया है वो यदि वैल्यूज हमें पता हो,
एंड वॉल्यूम वहाँ पर दिया हुआ हो, ठीक है, ताकि हम लोग चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकें, तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। दैट मीन्स यदि किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम और प्रेशर दिया हुआ होगा तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, यूज्ड वेयर वॉल्यूम एंड प्रेशर इज गिवेन। ओके, चलिए। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा जिस क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ रहता है, लेकिन एक और टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और उस टाइप में आपको प्रेशर दिया रहेगा और डेंसिटी दिया रहेगा, वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा। तब आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तब आप कंप्रेसिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप यहाँ पर अब देखेंगे। तो आइए देखिए, ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को। इनिशियली सबसे स्टार्टिंग में पिस्टन आपका यहाँ था, तो उस टाइम इसके अंदर जो सब्सटेंस था, जो फ्लूड था, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑक्यूपाइड किया हुआ था, तो उसका कुछ मास होगा उसका। फिर कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हैं कि पिस्टन इस पोजीशन पर आ गया, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो भी सब्सटेंस था वो कंप्रेस होके अब सिर्फ इस वॉल्यूम में यहाँ पर है। तो माय डियर फ्रेंड, जितना इनिशियल मास था उतना ही तो फाइनल मास होगा, भले वो कंप्रेस हो चुका है बट मास तो उतना ही होगा ना, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर मास ना ही अंदर आ रहा है और ना ही सिस्टम से मास बाहर जा रहा है, जो मास पहले था उतना ही मास यहाँ पर कंप्रेस होने के बाद भी है, तो मास तो कांस्टेंट है यहाँ पर, इस सिस्टम का मास तो कांस्टेंट है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आपका हियर मास इज कांस्टेंट, और मास को आप कैसे लिखेंगे, आप पढ़े हुए हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो यहां से मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, रो इनटू वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। बट हमें चाहिए डीवी बाय वी का वैल्यू कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग, आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट पहले क्या होगा, आप रो को बाहर रखिए और भी का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ठीक है, प्लस फिर भी को बाहर रखिए और रो का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, विल बी जीरो। तो यहां से देखिए रो इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस भी इंटू डी रो। अब देखिए माइनस साइन और भी आप यहाँ पे ले आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस डी वी डिवाइड बाय भी विल बी इक्वल टू डी रो बाय रो। देखिए माय डियर फ्रेंड, जो आप चाह रहे थे उसी टाइप का आपको मिल चुका है, माइनस डी वी बाय भी इज इक्वल टू डी रो बाय रो। और यहां पर कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्मूला में आप क्या देख रहे हैं, माइनस डी वी बाय भी डिवाइड बाय डी पी। तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में प्रेशर और डेंसिटी दिया रहेगा तो वॉल्यूम का तो कोई बात ही नहीं है, तो आप चाह रहे थे कि ये वाला टर्म यहां से हट जाए और इसके जगह पर हमें डेंसिटी मिल जाए। तो आप देखिए माइनस डी वी बाय भी किसके बराबर मिल रहा है, तो डी रो बाय रो के बराबर। तो इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, सो बीटा विल बी इक्वल टू डी रो बाय रो डिवाइड बाय डी पी। बीटा विल बी इक्वल टू डी रो बाय रो डिवाइड बाय डी पी। हैंस आपका बीटा का एक नया फॉर्मूला मिल रहा है, सो बीटा विल बी इक्वल टू वन बाय रो इंटू डी रो बाय डी पी। यहां पर देखिए माय डियर, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बीटा विल बी इक्वल टू वन बाय रो इंटू डी रो बाय डी पी। एक फॉर्मूला आपका ये मिल रहा है कंप्रेसिबिलिटी का, माइनस डी वी बाय वी डिवाइड बाय डी पी, एंड सेकेंड फॉर्मूला आपको मिल रहा है वन बाय रो डी रो बाय डी पी। अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रेशर एंड डेंसिटी दिया हुआ है, उसका वेरिएशन दिया हुआ है,
तो उस टाइम कंप्रेसिबिलिटी फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और यदि किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम एंड प्रेशर दिया हुआ है तो वहां पर कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है। अब चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, डी रो बाय डी पी, इसको आप किस तरह रीड करेंगे? तो डी रो बाय डी पी को हम क्या कहेंगे, डी रो क्या है चेंज इन डेंसिटी, डी पी क्या है चेंज इन प्रेशर, या आप इसे क्या कहेंगे, दिस इज द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। डी रो बाय डी पी को आप किस तरह पढ़ेंगे, तो डी रो बाय डी पी क्या है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी या चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो यहां पर दो केस अराइज होगा। फर्स्ट केस में यह हो सकता है कि कहीं पर किसी सिस्टम में डेंसिटी प्रेशर के साथ वैरी ना कर रहा हो। दूसरा केस में क्या हो सकता है कि किसी सिस्टम में कोई सिस्टम का डेंसिटी प्रेशर के साथ वैरी कर रहा हो। तो दो केस पॉसिबल है यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अब दोनों केस लेकर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केस वन, इफ वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर इज जीरो, या सिंपली आप ये कहेंगे कि वेरिएशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो वेरिएशन, तो क्या होगा। एंड फिर हम लोग देखेंगे सेकेंड केस में, जब वेरिएशन होगा तब क्या होगा। आइए देखिए केस वन। तो केस वन से पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू वन बाय रो इंटू डी रो बाय डी पी। एंड यहां पर जो आप ये फ्रैक्शन देख रहे हैं जो कि डी रो बाय डी पी है, ये आपका टर्म क्या है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ओके। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग यहां पर सबसे पहले केस वन देखते हैं। केस वन, में क्या होगा, इफ डेंसिटी डज नॉट वैरी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो सबसे फर्स्ट केस में हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि डेंसिटी प्रेशर के साथ वैरी नहीं कर रहा है, ओके। और दूसरा केस में क्या एज्यूम करेंगे, क्या देखेंगे कि जहां पर डेंसिटी प्रेशर के साथ वैरी कर रहा होगा। आइए, तो जब आपका डेंसिटी प्रेशर के साथ वैरी नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है माय डियर, डी रो बाय डी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी डेंसिटी प्रेशर के साथ वैरी नहीं कर रहा है, और जब डी रो बाय डी पी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो आपका बीटा क्या हो जाएगा माय डियर, सो बीटा विल बी जीरो, बीटा इज इक्वल टू जीरो। और बीटा एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी सिस्टम का कंप्रेसिबिलिटी दिखाता है, और बीटा का वैल्यू ही यहां पर जीरो हो चुका है, दैट मींस वो सिस्टम कंप्रेसिबल नहीं है, उस सिस्टम को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड इनकॉम्प्रेसिबल, ओके। यानी इनकॉम्प्रेसिबल के लिए बीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, आपने यहां देखा कि वो सिस्टम कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल है, वो फ्लूड कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड है। तो ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड जो है उसके लिए आपने यहां पर क्या देखा कि डेंसिटी प्रेशर के साथ वैरी नहीं कर रहा है। तो जब डेंसिटी प्रेशर के साथ वैरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि डेंसिटी कांस्टेंट है, वहां पर कांस्टेंट है, तभी तो डी रो बाय डी पी जीरो हो गया। डी रो बाय डी पी बराबर आप जीरो करते हैं, कब करते हैं, तो जब डेंसिटी कांस्टेंट हो। तो जब ये कांस्टेंट हुआ तभी तो ये पूरा वैल्यू जीरो हुआ,
एंड तभी आपको बीटा जीरो मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगा। ओके, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड उस फ्लूड को हम कहते हैं जिस फ्लूड का डेंसिटी कांस्टेंट हो, उस फ्लूड को आप इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड कहेंगे और उस फ्लूड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अब यहां पर हम लोग देखेंगे केस टू। केस वन तो हो चुका है, अब आइए देखिए केस टू। और केस टू में हम लोग क्या देखेंगे, इफ डेंसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। फर्स्ट केस में हमने देखा कि डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज नहीं कर रहा था, बट सेकेंड केस में क्या होगा, किसी फ्लूड के लिए यह भी पॉसिबल है कि डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज कर रहा होगा, तो उस टाइम आप क्या लिखेंगे, दैट मीन्स द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने केस लिया है कि डेंसिटी प्रेशर के साथ वेरी कर रहा है, सो दिस वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। और जब ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा तो बीटा भी आपका जीरो के बराबर नहीं होगा, सो बीटा विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आपको बीटा का कुछ तो वैल्यू मिलेगा, जीरो तो वैल्यू यहां पर होगा नहीं, कुछ तो वैल्यू मिलेगा, भले ही वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, बट वैल्यू तो हमें मिलेगा। और जैसे ही बीटा का कुछ वैल्यू मिलेगा, इसका क्या मतलब है कि वो सिस्टम कंप्रेस हुआ है, वो फ्लूड कंप्रेस हुआ है, तभी हमें वैल्यू मिल रहा है बीटा का, तो उस फ्लूड को हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिबल फ्लूड कहेंगे, क्योंकि वो कंप्रेस हो चुका है, इसीलिए बीटा का वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है। दैट मीन्स दैट फ्लूड इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूड। एंड देखिए कंप्रेसिबल फ्लूड के लिए आप क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। अगर डेंसिटी यहां पर कांस्टेंट होता तो ये वैल्यू तो जीरो के बराबर हो जाता, बट यहां पर ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी कंप्रेसिबल फ्लूड के लिए डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। ऐसा फ्लूड जिसका डेंसिटी कांस्टेंट ना हो, उस फ्लूड को हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूड कहते हैं, आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो कंप्रेसिबल फ्लूड के केस में आपका डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। इस केस में डेंसिटी वैरी करता है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड के केस में आप ध्यान में रखेंगे कि डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड का एग्जांपल अगर देखा जाए तो आपका लिक्विड है, लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, बट वहाँ पर जो वो थोड़ा बहुत कंप्रेस होता है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं नेगलेक्ट, क्योंकि बीटा का वैल्यू लिक्विड के लिए बहुत कम होता है, तो चूंकि बहुत कम वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग वहाँ पर जब बहुत हाई इंक्रीज ऑफ प्रेशर देंगे तब जाके थोड़ा सा कंप्रेस होता है, इसीलिए इस कंप्रेशन को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं एंड ये एज्यूम करते हैं कि लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है। तो लिक्विड को हम इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं, यानी लिक्विड के केस में क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगा। एंड गैस के केस में माय डियर, गैस को हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूड कहते हैं, क्योंकि आप गैस को हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, कोई भी गैस हाईली कंप्रेस हो सकता है, उसके लिए आपका डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, तो ये था माय डियर आपका कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं माय डियर। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी में हमें जितना पढ़ना था ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जा। आई होप कि आपको यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके,
सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ओके.